नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूं। उन्होंने कहा कि हर जगह विवाद हो रहा है, भाषा को लेकर तमिलनाडु में नया विवाद शुरू हो गया है। हमें राजनीतिक परिवर्तन को दूसरों को समझाना है। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि निकायों में प्रत्याशी लगभग तय है, जो विधायक निगम चुनाव में जीतने लायक होंगे हम उन्हें भी टिकट देंगे। विधायक के बेटे, बेटी, पत्नी जो भी जीतने लायक होंगे उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको वो वीडियो सुनवाते हैं जिसमें कमलनाथ इस तरीके की बात करते नजर आए हैं। मैं तो कहता हूं, मैं कहता हूं, मैं हिंदू हूं, पर हिंदू नहीं। ये हमारी अपनी भावना है। हम धर्म को अपने राजनीति का आधार नहीं मानते। हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते, हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। हमारा धर्म हमारा परिवार का इवेंट होता है, ये राजनीति का इवेंट नहीं होता। जी हाँ, अब आपने सुना है यहाँ पर कमलनाथ ने कितना कुछ कहा है। बताते चले कि ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर सरकार पर निशाना साधते नजर आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। कहते हैं कि चुनाव न कराने के हजार बहाने बनाए गए। हमने विधानसभा में कहा कि बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होंगे। इसके बाद सरकार ने मजबूरी में सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया। 23 जगहों पर ओबीसी को 0% आरक्षण मिला। जनता बीजेपी के साथ नहीं है, ये बात सरकार समझ चुकी है। इसलिए नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट कराया जा रहा है। पुलिस, पैसा, प्रशासन, प्रेस के दम पर बीजेपी ये चुनाव और विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आगे कहते हैं कि किसानों, महिलाओं और आदिवासियों के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सीमांकन को लेकर कोर्ट गए थे। कोर्ट ने जब आरक्षण की बात उठाई तो ये चुप बैठे रहे। हमने तो 2019 में ही 27% आरक्षण दिया था। सरकार संविधान में संशोधन करे, उन्होंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी या सावधान संविधान। हमने विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की, लेकिन दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए। वहीं दूसरी ओर में विधि एवं मानव अधिकार विभाग के प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने विधि विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। डायरेक्टर, डॉक्टर, वकील, समाज सेवक और एक्टिविस्ट सबको जोड़ने में वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आगे कहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर वकील बड़ी रैली निकालेंगे। रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी मौजूद रहेंगे। इसी दिन बीजेपी के पतन का बिगुल बजेगा। यह सम्मेलन सौभाग्य स्थल पर होगा। हमारी सरकार 2018 में ज्यादा बहुमत से बनेगी। बीजेपी में कम पढ़े लिखे लोग हैं, वे बहस तो नहीं कर पाते और पुतले मेरे फूंकते हैं। लेकिन अब आपकी क्या राय है, खबर सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।